हेलो भाई, मैं हूं एनसी जाट और वेलकम है आप सभी का हमारे फार्म के एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी मैंने गिनी पिग के केज की सफाई की है और सफाई करके मैं यहां पे थोड़ी सी जो हरी दूब घास है वो डाल के चला गया था और फिर मैं लेके आया हूं इनके लिए घास। तो ये वाला घास डालेंगे अभी इनको। केज की पूरी की सफाई हो गई है और जो हमारी गिनी पिग है मेल और फीमेल दोनों इस वाले घर में है। अभी मैं आपको ये घर भी दिखाता हूँ। ये घर बनाया मैंने क्योंकि गिनी पिग जो हमारी है वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा देने वाली है। तो पहले मैं इनको घास डालता हूँ फिर आपको घर दिखाता हूँ। तो ये इतना घास मैंने इनको डाल दिया है, अभी थोड़ा इधर और ये वाला मैं जो है रेबिट और वाइट माउस को भी दो चार पत्ते डालूंगा। ये वाला जो है वो मैंने घर बनाया है यहाँ पे बोर्ड से। तो इसकी ये इतनी हाइट है आप देख सकते हो और इतनी इसकी चौड़ाई है और ऊपर से ये इतना लंबा घर है। इधर मैंने इसको ये गेट बनाया है, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ उस तरफ से अंदर से लगी जाके। ये देखिए ये वाला इसका गेट है, मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। आपको गिनी पिग दिख गए होंगे अंदर। तो ये वाला घर मैंने गिनी पिग जो हमारी फीमेल गिनी पिग है उसके लिए बनाया है क्योंकि वो बच्चा दे सकें। तो अभी मैं इनकी कटोरियाँ साफ करके इनको पानी डालता हूँ और वाइट माउस को भी पानी चेंज करता हूँ। ये वाइट माउस का पानी मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे, अब मैं ये डालता हूँ इनको। ये गिनी पिग का पानी भी मैंने साफ डाल दिया है इसके अंदर, अब मैं इसको केज के अंदर डालता हूँ ये यहाँ पर। और अभी गर्मियाँ आ गई है तो इनको 2400 घंटे पानी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने इनके लिए पानी डाल दिया और मेल अभी बाहर आ गया, फीमेल अंदर ही रहती है अधिकतर। ये कुछ इतने से पत्ते वाइट माउस को डालेंगे। ये मैंने वाइट माउस को इधर पत्ते डाल दिए हैं और ये पानी पी रहे थे अभी। तो मेल और फीमेल दोनों बाहर आए हुए हैं, बच्चे अभी इस वाले बॉक्स के अंदर है और कल मैं इसकी भी सफाई करूंगा वाइट माउस के केज की भी। और इन्होंने देखिए रोटियां कैसे बखेर रखी है। रेबिट उस तरफ कोने में बैठा हुआ है और ये इतनी देर धूप में बैठा हुआ था वहाँ पर, अभी वहाँ से धूप जा चुकी है। ये देखिए धूप अब जा चुकी है। गिनी पिग मेल और फीमेल जो मैंने ग्रीन ग्रास इनको डाली थी जो हरी दूब वो यहाँ पे खा रहे हैं। और ये मैंने फीमेल के लिए घर बनाया था उसके अंदर ये छोटे छोटे कागज़ डाले थे इस तरीके से, ये देखिए पड़ा हुआ, ये बाहर पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे कागज़ डाले थे मैंने इसके अंदर जिसमें से एक बाहर निकाल दिया बाकी अंदर पड़े हैं। और पहले मैंने इस वाले घर में कुछ इतने दे बड़े कागज़ डाले थे जिन्होंने इसने बाहर फेंक दिया पूरे को सभी को। और अभी इन्हें इतने दे कागज़ डाले छोटे छोटे टुकड़े क्योंकि इस ये जो है इस वाले ही घर को ही काट काट करके अंदर कागज़ इकट्ठा कर रही थी। तो मैंने ये खुद से ही डाल दिए इसके अंदर कागज़, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब ये बच्चे देते हैं। तो बच्चों को रखने के लिए थोड़ा सा छोटा सा नेस्ट बनाती है अपना घर। और मैंने जो ये वाला दरवाज़ा जो लगाया है ये पाइप लगाया है मैंने, एक कार्डबोर्ड का ही पाइप था ये पाइप, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसका इस तरीके से ऐसे गेट छोड़ता तो इसको कुतर देते ये वाले गेट को। तो मैंने ये वाला लगाया है, पहले ये वाला नहीं लगाया था तो इसने कुतर दिया था गेट को चारों तरफ से और अंदर कागज इकट्ठा करने लग गई थी। तो फिर मैंने ये वाला बोर्ड लगाया है, अब देखते हैं देखिए ये इसको काटती है या फिर नहीं काटती। मेरे ख्याल से तो ये नहीं काटेगी और बाकी आराम से ये अंदर बाहर चली जाती है प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से, ये देखिए अभी मेल इसके अंदर जाएगा और नहीं जा रहा ये तो, लेकिन इसके अंदर आराम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी साइज़ का है ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गिनी पिग के साइज़ का है। और तो इससे अंदर बाहर हो सकते हैं। और ये वाला घर भी बहुत बड़ा बनाया मैंने और केज तो इनका इतना बड़ा है ही जो आपको पता है। ये देखिए कितनी साइज़ का है, ये 4 फीट ऐसे है और 4 फीट ऐसे है और 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी हाइट है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी जगह है इनके लिए, काफ़ी है और इसके अंदर अच्छे से रह सकते हैं ये। आप सभी को पता होगा आप जो पहले से वीडियो हमारी देखते हैं, ये वाला केज जो है हमने पहले ही बना लिया था गिनी पिग के लिए, तकरीबन 1 साल हो गया इसको। पहले मेरे पास में एक जोड़ा गिनी पिग दूसरा था और अब मैंने ये वाला ले आया हूँ, वो मेरे पास में अभी नहीं है। फिर कुछ टाइम मेरे पास में गिनी पिग नहीं था, ये अभी कुछ टाइम पहले आया आप सभी को पता है। तो ये गिनी पिग के लिए मैंने केज पहले से बनाया हुआ था। तो अब जब भी हमारी फीमेल बच्चे देगी तब हम देखेंगे मेल को इसके पास रखना चाहिए या फिर अलग रखना चाहिए।
तो अलग रखना होगा तो इसके लिए अलग से फिर एक घर बना लेंगे हम, और नहीं रखना होगा अलग, इसी के साथ रह जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही केज में दोनों रह जाएंगे। हरी धूप गिनी पिग बड़े ही शौक से खा रहे हैं और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी गिनी पिग का भी घर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो यहीं था आज के ब्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।